वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक नया प्रोडक्ट लेके। एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेट्स अनबॉक्स। तो मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर करा, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो शायद आप कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है, और कुछ लोगों को सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स एंड आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या करते हैं। इसकी वैसे MRP 599 है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने की है। इसको भी खोलते हैं। तो काफी हैंडी सा एक प्रोडक्ट है और काफी अच्छी ग्रिप वाला एक प्रोडक्ट है। अब हम लोग को ये सोचना है कि ये करता क्या है। ये करता है, ये है नाइफ शार्पनर। तो जैसे हम लोग के घर में क्या होता है कि बहुत सारे नाइफ हो जाते हैं इकट्ठा। मेरे घर में तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए। तो इनमें क्या होता है कि हम बार बार तो नाइफ खरीद नहीं सकते। तो खरीदने का न्याय मतलब उनके में प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़े दिन बाद इसमें नाइफ में शार्पनेस कम हो जाती है। तो हम लोग को एक सोल्यूशन है ये, जिसके थ्रू हम लोग इसमें नाइफ में शार्पनेस दे सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसा ये काम करता है और कैसा इसका डेमो है प्रोडक्ट का। अब इसका करते हैं हम लोग प्रोडक्ट का रिव्यू, कैसे यूज करना है और इसका प्राइस क्या है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गाइस इसका प्राइस है 295 रुपीज़। और इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ऑलरेडी। आप आपको अगर उससे मुझसे अगर ना समझ आया तो इनसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे नाइफ की शार्पनेस है कैसी। तो मैं सबसे पहले एक कागज लूंगा और उसको काटने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं गाइस ये कट नहीं रहा, बहुत मुश्किल से कट रहा है ना। तो अब हम इसके ऊपर यूज करके देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी क्या करने से क्या इसमें ना शार्पनेस इंक्रीज होती है। और इसका भी एक प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें आपने देख सकते हैं 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो एवरी ब्लॉक का कोई एक सर्टेन मीनिंग है। तो पहला वाला जो रॉड इसमें है ये सिरेमिक रॉड है, दूसरे वाले में स्टील ब्लेड के लिए है, और थर्ड वाला है डायमंड रॉड। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए मैंने को एक साइड से लेना है और एक साइड से करना है, और हमेशा एक ही डायरेक्शन पे मूव करना है। ये नहीं कि हमने ऐसे 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 करने लगना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है गाइस। हमेशा एक रखना है और ऐसे करना है, एक रखना है ऐसे करना है, एक रखना ऐसे करना है। तो गाइस ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप है शार्पन, दूसरा है प्रेप और तीसरा है फिनिश। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको ये भी नहीं है कि हम एक साथ ही शार्पन करते जाएं या प्रेप प्रेप करते जाएं या फिनिश फिनिश करते जाएं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें जोर लगा के नहीं करना है कि पता चला आपने नीचे वाला खराब ही कर दिया और आगे के लिए यूज ही नहीं आया। सेकंड, फिर 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम इसमें करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं गाइस, जो वही पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि अब कैसा ही कट करना है। तो अब मैं अगर कट करने की कोशिश करूं तो क्या अब ये कट कर पा रहा है सही से। लग रहा है मैं गाइस पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ओ लग रहा है कि अगर मैं वैसे बात करूँ तो गाइस मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि मैंने 10 टाइम्स कम करा है। मेरे ख्याल से 10 टाइम्स और करके देखते हैं गाइस। सेवन एट नाइन टेन।
दूसरा इसका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्राई करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शार्पनेस आई है। अब अगर मैं कट करने की कोशिश करूं तो मेरा वन हैंड से उस समय कट भी नहीं हो रहा था और अब कट हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट कुछ तो काम कर रहा है। और अगर मैं ऐसे देखने की बात करूं तो इससे भी मुझे शार्पनेस थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही है कि हाँ, इसमें थोड़ी सी शार्पनेस इंक्रीज हुई है। ये तो हो गई पेपर कटिंग की बात। अब हम लोग टेस्ट करते हैं एक्चुअल वेजिटेबल पे, जो कि बहुत ही जरूरी आइटम है, जहां पे इसका एक्चुअल रिजल्ट दिखाई देगा। एक्चुअल टेस्ट लेते हैं एक एक्चुअल वेजिटेबल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी मैंने शार्पन कर लिया है। अब इसका आता है टेस्ट, इसकी बारी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, थोड़ा सा इजिली ये तो कट हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी शार्पनेस है। मैं एक और मैंने इसलिए नाइफ उठाया हुआ है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये देख सकते हैं गाइस, ये कटने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, एकदम स्लाइटली, एकदम जिस तरह मक्खन की तरह कटना चाहिए उस तरह नहीं कट रहा है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो यहाँ भी मक्खन की तरह नहीं कट रहा है। और यहाँ पे तो बात करूं तो मुझे तो ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसके बाद ही हो रहा है। अब इसमें अगर शार्पनेस देता है और उसके बाद ट्राई करते हैं कि इसमें कैसी हुई है परफॉर्मेंस। तो कैसे स्टार्ट करना है गाइस? तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है। वन, अब इसको अगर मैं देखूं ट्राई करके, तो अब देखते हैं कि कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। वाओ, इट्स अमेजिंग। मतलब अगर मैं बात करूं तो एकदम प्यार से कटने लगा गाइस, मैं छुआ रहा हूं और कट रहा है, और इससे पहले तक नहीं कट रहा था ऐसा। मतलब प्रोडक्ट में दम तो है गाइस। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो प्राइस रेंज है कितने का? 295। अगर मैं इतने, मेरे घर में अगर 5 10 चाकू भी हैं और मैं शार्पनेस करने जा रहा हूँ बाहर कहीं पे भी कराऊंगा, तो मुझे कम से कम नहीं तो 100 200 250 रुपये एक बार में देने पड़ जाएंगे। और इसको मैं मल्टीपल बार यूज कर सकता हूँ, और तो मेरे लिए ये गुड टू गो प्रोडक्ट है, और घर के लिए एकदम मतलब मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है। इसके हर घर में प्रोडक्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इसका अमेजोन का लिंक आपको इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। एंड थैंक्स गाइज, एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।